मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन। तो हम जैसे हमने देख पा रहे हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग का फुटिंग के थ्रू कंस्ट्रक्शन की गई है। तो ये हमने सबसे पहले आइसोलेटेड फुटिंग के पहले PCC कर दी, उसके लिए पहले एग्जामेशन किया, फिर PCC की। PCC के ऊपर बाद में हमने पेडेस्टल बना दिया। पेडेस्टल कंस्ट्रक्शन करने के बाद पूरी बिल्डिंग ऐसे ही देखो, जिससे आप देख पा रहे हो चारों तरफ पेडेस्टल बना रखे हैं। पेडेस्टल के बाद क्या करते हैं, बीम कॉलम की कंस्ट्रक्शन। पेडेस्टल के ऊपर कॉलम और बीम को साथ में कास्ट कर दिए थे, प्लिंथ बीम साथ में कास्ट कर दिए गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लिंथ बीम साथ में कास्ट हो गए। प्लिंथ बीम के ऊपर बाद में होता है कॉलम का कुछ हिस्सा ऊपर कास्ट किया जा रहा है, और कॉलम का ऊपर का हिस्सा ही कास्ट हो रहा है अलग से। तो ये उसके बाद हमने क्या किया कि मोनोलिथिकली कॉलम एंड बीम दोनों को साथ में कास्ट कर दिया गया है। और बाद में कॉलम बीम एंड छज्जा, हमारे यहाँ पर साइड पर छज्जा भी रहता है हमने, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कॉलम बीम छज्जा तीनों को एक साथ में कास्ट कर दिया गया है। तो ये हमारी हो गई कॉलम बीम छज्जे की कास्टिंग साथ के अंदर। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम की ट्रॉपी जो स्लैब लेवल है उसके हाइट के ऊपर से बॉटम स्लैब का बॉटम लेवल तक हमने कास्ट कर दिया गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये कॉलम की दो टोपियाँ कास्ट होने वाली है। तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर कॉलम बीम स्लैब के। अब इसके ऊपर आएगी हमारी स्लैब। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम ये डेक फिलिंग कर रहे हैं, जो ये पोर्शन है इसके अंदर डेक फिलिंग कर रहे हैं। ये होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट। जय हिंद।